देखिए ये है चिकन एंड राइस डम्पलिंग्स या चिकन मोमोज विच आर मेड विद राइस एंड चिकन विदाउट मैदा, या इसे फ्लावर चिकन भी कह सकते हैं, कई नाम हैं इसके। बहुत ही अच्छी रेसिपी, साधारण रेसिपी और बहुत ही खूबसूरत रेसिपी है ये, घर पे आसानी से बन सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी ये। देखिए ये ले लिया है कुछ चिकन मिंस यानी चिकन का कीमा, और उसमें चला गया देखिए नमक, नमक तकरीबन 5 ग्राम से कुछ कम, और ये चला गया सा वाइट पेपर या सफ़ेद काली मिर्च इसे कहते हैं। इसके बाद चला जाएगा ये है ब्रॉथ पाउडर, और ये ना हो तो आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी चॉप फाइन रेड चिलीज, और ये है सिलेंट्रो लीव्स यानी कि हरे प्याज के पत्ते, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर। सब बेसिक सामान तो इतना ही चाहिए। आप थोड़ी सी डार्क सोया सॉस इसमें मिला सकते हैं, और हल्का सा लेमन जूस, आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक बार इसको बालसमिक विनेगर के साथ ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। अब इसे मिक्स कर लेते हैं एक स्पून की मदद से, अगर ये मिक्स हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हाथ का इस्तेमाल कर लें और इसे अच्छा सा मिक्स दे दें एक बार। याद रखिएगा हाथ को अच्छे से धो लें, वी आर हैंडलिंग नॉनवेज। हाथ को अच्छे से धोने के बाद चिकन मिंस को उसके मसालों के साथ उसके इंग्रेडिएंट के साथ अच्छा सा मिक्स कर दें। बस यही है एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी इस डंपलिंग बनाने की। और साहब देखिए ये है हमारा कुछ बॉइल्ड राइस, इसमें चले गए कुछ रंगे हुए लाल चावल, कुछ रंगे हुए हरे चावल, ये चावल पके हुए हैं, और कुछ पीले रंग के चावल। अगर आप रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं और जस्ट प्लेन वाइट राइस से भी इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। अब इस चिकन मिंस के छोटे छोटे देखिए बॉल्स बना लेते हैं, गेंदे बना लेनी है इसकी। अब जो ये राइस है उसके ऊपर हमें कोट कर देना है और हल्का हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा मत दबाइएगा नहीं तो जो हमारा टेक्सचर यानी कि पॉर्क्यूपाइन टेक्सचर वो आएगा नहीं। पॉर्क्यूपाइन आप जानते हैं ना, हिंदी में जिसको शाही बोलते हैं, एक जानवर जिसके शरीर पे लंबे लंबे कांटे होते हैं, बाकी सब लोग डरते हैं इससे, कुछ वैसा ही मिलता जुलता शेप होता है इसका। अब देखिए राइस को इसको कोट कर दें, हल्का सा दबा दें ताकि राइस इस पर स्टिक हो सके, बस यही चीज़ चाहिए हमें सब। इसी तरीके से जितनी भी हमने चिकन बॉल्स बनाई थी उन पर राइस को स्टिक कर दें। ये डम्पलिंग्स काफ़ी हेल्दी हैं क्योंकि ना इनमें फ्राइंग है, ना ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जो उस पर हाई फैट हो, और फैट का तो इस्तेमाल हम देखिए वैसे कर ही नहीं रहे इसमें, इसे बस हम स्टीम करेंगे। इसे कई लोग चिकन एंड राइस मोमोज भी कहते हैं, कई लोग इसे फ्लावर चिकन भी कहते हैं, और हैं वैसे ये चिकन डम्पलिंग्स। इसे आप एक सूप के साथ भी खा सकते हैं, और इसके लिए कुछ सॉस ले लें आप उसके साथ भी खा सकते हैं, और बच्चों की कोई पार्टी हो जिसमें आप एक यूनिक स्नैक्स बना के देना चाहते हैं तो मेरे को तो लगता है ये उपयुक्त है। किड्स विल बी रियली फैसिनेटेड टू हैव दिस, वैसे बड़े भी इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। देखिए सब चिकन बॉल्स को हमने कोट कर दिया, ये मोमो स्टीमर है। वैसे आप घर पे कोई भी एक बर्तन लेके उस पर छन्नी लगा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा ग्रीस कर दिया था उसको, पानी नीचे उबल रहा है, और हमने अपने चिकन बॉल्स को ऊपर प्लेस कर दिया। अब 4-5 बॉल्स हम ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रख देंगे। ये बात ध्यान रखना है, हमें स्पेसिंग अच्छी रखनी है क्योंकि जो ये राइस इसके ऊपर चिपका है ये एक पॉर्क्यूपाइन टेक्सचर आने के लिए थोड़ी स्पेस तो देखिए उसको चाहिए। ढक्कन को लगा दिया, मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं। देखिए है ना एक यूनिक चीज़, राइस खड़ा हो चुका है, चिकन पक चुका है, और बस इसको परोसना है। परोसने के लिए कोई डिप्सम बास्केट ले लें, वो ना हो तो कोई प्लेट ले लें, जैसी आप चाहें। देखिए ये ले लिया एक डिम्सम बास्केट, उसके ऊपर लगा दिया एक पार्चमेंट पेपर, और एक टूथपिक लगा के हर चिकन मोमो जो बना है राइस से और चिकन से हम प्लेस कर देते हैं। ये एक फ्लावर की तरह लगता है तो इसे फ्लावर चिकन डम्पलिंग्स भी कहा जाता है। इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको दबा दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।